यस सर। ओके, तो आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या जॉइंट फैमिली में रह चुके हो? सर सिंस लास्ट 6 इयर्स वी आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली इन अ सेम सेम बिल्डिंग बट स्टिल इट इज अ काइंड ऑफ जॉइंट फैमिली ओनली। यस, तो आपकी हैंडराइटिंग में ना जॉइंट फैमिली का बहुत असर दिख रहा है, बहुत ज्यादा। ओके ओके, सिंस चाइल्डहुड आई एम इन अ जॉइंट फैमिली मदर्स साइड, बिफोर मैरिज आल्सो आई वाज इन अ जॉइंट फैमिली। करेक्ट। देखो आपको तो ना पल्लवी जी, आपको तो ऐसे ना किसी से भी किसी मेल से पैसे मांगने में तकलीफ होगी। यू विल नेवर लाइक टू आस्क मनी फ्रॉम अ मेल। वेरी ट्रू। आपको ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना बहुत अच्छा लगेगा। और आप मतलब आपके घर में ऐसा सिस्टम भी होगा कि आप पैसे नहीं मांगते, पापा रख देंगे या हस्बैंड भी रख देंगे और आप ले लोगे। यू विल नेवर आस्क फॉर मनी, नाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू। यस यस, ये एक चीज है आपके राइटिंग में। उसके अलावा जो है एक तो यू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर लाइक्ड बाय ऑल, यू नो इट्स लाइक हम कहते ना कि व्यक्ति जो है वो बड़ा प्यारा बात करता है, तो यू आर अ स्वीट टॉकर, यू विल टॉक स्वीटली विद पीपल। यस बाय नेचर आई एम, बाय नेचर, यस ऑब्वियसली यू आर डिफाइनिंग अ नेचर। देन यू हैव लॉट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट ड्राइव, आपको ना ऐसे बदलने की इच्छा बहुत है कि यार मतलब यू नो इमोशनल जो है आप, जैसे कई बार हम लोग रो देते हैं इजीली या कई बार बहुत इमोशनल, तो यू हैव दैट ड्राइव टू इंप्रूव इमोशनली, वो बहुत है आपके। आई एम वर्किंग ऑन दैट। यस राइट नाउ आल्सो, या वो है। फिर यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कई बार आप अपनी हेल्थ का उतना ख्याल नहीं रखते जितना रखना चाहिए। नेवर, आई नेवर टेक केयर ऑफ मायसेल्फ। हाँ, वो एक चीज है। बहुत सारी चीजें प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, आपको पता ये करना चाहिए, स्टिल यू विल डिले अननेसेसरीली। वो एक चीज है। अच्छा, उन मेल्स के साथ आप कंफर्टेबल हो जिनका कुछ रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि जैसे कि हाँ जैसे हस्बैंड के दोस्त है या दोस्त का भाई है, भाई का दोस्त, ऐसा कोई अगर रेफरेंस रहेगा तो आप बात करने में हिचकिचाहट नहीं करते। स्ट्रेंजर्स मेल से बात करने में बहुत दिक्कत होगी आप। यस yes. तो पार्टी जाओ, पिकनिक जाओ, कहीं भी, लेकिन किसी ने अगर मुलाकात करके दी, पहचान करके दी, तो देन यू कैन टॉक, एल्स इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू टॉक। यस ठीक है, ये एक है। अच्छा, आप ना जब भी बातें करते हो तो बातें करते समय आपके पास बहुत रीजंस होते हैं, मतलब कोई भी चीज को एक्सप्लेन करने के पहले या एक्सप्लेन करते समय आपका टेंडेंसी है ये कहने का कि ये इसका कारण ऐसा है कि, तो आप कारण जो है, रीजनिंग जो है वो बहुत देते हो। यू हैव अ टेंडेंसी टू गिव लॉट ऑफ, या आई ट्राई टू जस्टिफाई माय सेल्फ। यस, तो रीजनिंग बहुत देते हो और मतलब लोगों को पता नहीं। आई नेवर लाइक एनीवन टू बी अनप्लीज्ड विद मी, कोई मुझसे नाराज भी हो जाता है तो मुझे लगता है वो क्यों नाराज है, बस मैं कैसे भी उसे मना लूं। करेक्ट। और आप आपके जो झगड़े होते हैं ना हस्बैंड के साथ, वो बहुत कम लोगों को पता है। जब आप चार दीवारी के अंदर रहते हो, जब कोई देख नहीं रहा था, तभी आपके झगड़े होते हैं। नॉर्मली यू डोंट फाइट इन फ्रंट ऑफ पीपल। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मतलब बड़े झगड़े होते हैं आपको दिख रहा है हैंडराइटिंग में, लेकिन वो चार दीवारी के अंदर है, आपको भी पता है, आपका यू नो दैट मैडम, ऐसी चीज है। और ठीक है, दूसरा ना गायनक इश्यूज भी दिख रहे हैं इसमें। मदर को थे या सिस्टर को? मदर को भी थे, मुझे भी थे, मैंने मेरी हिस्टेरेक्टॉमी हो चुकी है लास्ट 7-8 इयर्स। तो वो गायनक इश्यूज भी इसमें देखे जा रहे हैं काफी ज्यादा। अमेजिंग। आप चाहो तो फिर ये आप अगर सीखते हो ना, मतलब नॉट इन, पर वो गायनक इश्यूज क्या होता है, गायनक इश्यूज का हिस्ट्री होता है, तो वो मदर से हेरिडिटी पास ऑन होती है, तो हिस्ट्री होता है। तो आप चाहो तो आप अगर ये सीखोगे, आप समझोगे, तो आप अपनी बेटी अपनी शायद बड़ी को बचा सकती हूं। हाँ, वो बेटी से मतलब जैसे चाहते हैं, वी कैन सॉल्व दिस, हमने काफी काम किया इसके ऊपर। तो नहीं, मेरी बेटी तो बिल्कुल मेरे जैसे सेम एग्जैक्टली सेम हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे मुझे फिब्रॉइड की प्रॉब्लम है, उसको भी है फिब्रॉइड की प्रॉब्लम।
So I really want her to get cured with everything and not to indulge in all these illness. हाँ, अगर अभी शादी नहीं हुई है तो we can still get rid of that mindset, जो mindset है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं mindset. Okay. ठीक. And you are a very action-oriented kind of person. आप ऐसे निर्णय लेते हो, चलो ये करते हैं, अचानक से हाँ अचानक से आ जाएगा. But a lot of time you just will go ahead and do the things, you know. तो action-oriented आपका handwriting है काफी. तो बहुत बार बिना planning के भी आप बाहर जा सकते हो comfortable. Okay. मतलब वो दोनों tendency है, planning भी करते हो, but action-oriented tendency ज़्यादा है. Planning वैसे mostly मैं trump करती हूँ, मैं suddenly होता है मेरा जो भी होता है. ओके, तो इमीडिएट डिसीजंस ज्यादा होते हैं. करेक्ट. अचानक से फोन आया, मूवी चल रहे हो कि हाँ आते हो, कब कहाँ जाना है, तो आधे घंटे में यू गॉट रेडी एंड यू वेंट अवे फॉर द मूवी. दैट वे थिंग्स विल हैपन. यस सर. ओके, सो मजा आया पल्लवी जी आपको? यस सर, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ट्विस्ट एंड ब्रॉट टू नो मायसेल्फ. करेक्ट. तो लगा था आपको कि इतनी सारी चीजें पता चलती है? सर इतना नहीं पता था. ग्रेट, थैंक यू. बस थोड़ा सा नेचर का पता मुझे, आई वॉज अवेयर की हाँ हैंड राइटिंग से उससे नेचर का पता चल जाता है थोड़ा सा, बट हेल्थ इश्यूज एंड मेडिकली एंड ऑल दीज थिंग्स आई वॉज नॉट अवेयर की ना, सब डेप्थ में भी हमें नॉलेज हो सकती है. ओके, सो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एनालिसिस. हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड द एनालिसिस? मजा आया आप लोगों को सीखने में, देखने में? तो ऐसा ही एनालिसिस आप कर सकते हो. इसमें से काफी सारी चीजें आप भी पता कर सकते हो जब आप ये सीखोगे. कुछ चीजें हो सकता है आपको अभी ना आए, लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैंने की उसका एनालिसिस आप आसानी से कर पाओगे. तो अभी चलते हैं हमारे दूसरे कंटेस्टेंट की ओर, दूसरे पार्टिसिपेंट की ओर, जहां पे हम उनका हैंड एनालिसिस करेंगे और वो हम चुनेंगे एक प्रश्न के साथ. तो आप सभी लोगों को मैं अभी प्रश्न पूछूंगा, उसका जो आंसर करेक्टली देगा तो वहां पे हम लोग उनका एनालिसिस करेंगे. और जैसा कि हमने कल कहा था और आज भी कह रहे हैं कि प्री चेक माइंड हैज नो वैल्यू, लेट अस गो टू द क्वेश्चन. तो क्वेश्चन इज, विच वर्ड स्पेसिंग टॉक्स अबाउट अ पर्सन बीइंग इंडिपेंडेंट इन नेचर? कौन से वर्ड स्पेसिंग से यह पता चलता है कि ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर का है, जो कि हमने कल सीखा था. So we have got the answer from fastest finger first, Keshav Patel. Keshav Patel ji ka laser see ki unka writing hai kya. To ye Keshav Patel ji ka handwriting hai. We have got it. Okay, Kesha ji, are you there? Yes. आप दिख नहीं रहे हो. I don't know, sir, why my this is blank. I really am not understanding how to do it. But I'm there, and my video is also on. हाँ, video तो on है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप वो शक्तिमान में ब्लैंक है. आई रियली डोंट नो व्हाई. शक्तिमान नाम के सीरियल में हम बचपन में देखते थे, एक कैरेक्टर था अंधेरा कायम रहे हमेशा, वैसा कुछ चल रहा है आपके कैमरे के साथ. आई एम नॉट अ वेरी कंप्यूटर पर्सन ऑनेस्टली, सो आई रियली डोंट नो हाउ टू गेट दीस थिंग्स. एक तो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु हैज फाइटिंग स्पिरिट, मतलब आप लास्ट मोमेंट पे होप ना छोड़ने वाले व्यक्ति हो. All of a sudden you will start performing at the last moment when nothing is happening, you are happening. Yes. You know this. Yes, sir. दूसरा, आप planning तो बहुत करोगे लेकिन आपका implementation बहुत weak है. उतना strong आप उन plans के ऊपर consistency नहीं दिखा पाते हो जितना आपने दिखाना चाहिए. Yes, sir. Many reasons behind it at times. I get tired. That is what. वो एक पर आप अगर कोई पार्टी या पिकनिक प्लान करोगे तो वो बहुत सक्सेसफुल होंगी. आप सभी को उनका रिटर्न गिफ्ट दे पाओगे, आप सभी को इनवाइट दो तीन बार कर पाओगे, तो आप पार्टी पिकनिक प्लान्स के लिए काफी अच्छा प्लान कर पाओगे. यस सर, आई एम अ गुड ऑर्गेनाइजर.
यू आर गुड ऑर्गेनाइजर, वो दिखता है इसमें। फिर आपकी एनालिटिकल स्किल जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, कई बार लोग आपका एडवांटेज ले लेंगे, आपको कुछ चीजें समझाएंगे और आप उनको फेट डालो, इंस्टेड ऑफ समझना कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलेंगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो, मतलब आई ट्रस्ट यू, वो अटेंडेंसी बहुत है आप। आई डू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। हाँ, हेल्पिंग का ठीक है वो, मतलब यू डोंट यू आर नॉट एनालिटिकल पर्सन, जब जब वो कुछ चीजें समझनी चाहिए ना तो एनालिसिस ना करते हुए आप फेथ रख दोगे सामने वाले के ऊपर, वो चीज है। ओके, आई डोंट गेट इनटू द डिटेल्स, आई सेड ओके, हां यस, आई ट्रस्ट यू, यू डू इट, आई डू दैट, या वो कैलकुलेशन करना, डिटेल में जाना, वो टेंडेंसी। आई ट्रीट देम द सेम वे आई ट्रीट देम एक्चुअली। फिर आपके राइटिंग में दिख रहा है कि आपको, अगर जैसे मैंने लास्ट कल भी किसी का एनालिसिस किया था उसमें कहा था कि वेरी ऑनेस्ट विद द ओपिनियन, आपको कुछ अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली टू द पॉइंट सच्चा आंसर देते हो, आप चीजों को ज्यादा घुमा फिरा के बात करने में विश्वास नहीं रखते। यस सर, बिकॉज आई एम इन टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सो डेफिनेटली मैं मुंह पे बोल देती हूँ, सामने वाले को नहीं पसंद आया, इट्स देयर प्रॉब्लम। आई करेक्ट, तो ये होता है। और इसके अलावा देखिए इसमें दो तीन चीजें तो अच्छी है, जैसे आप यू आर गुड एज अ काउंसलर, काउंसलिंग जो है आपका अच्छा होगा। Yes, मदर से काफी क्लोजनेस है, ये दिखता है, आंट से है, एंड शी इज माय मदर फिगर, मदर फिगर है, मदर मतलब मदर। Yeah. हाँ, आप तो आपके राइटिंग में ये दिखता है कि यू आर द वन हु विल स्टार्ट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, है ना, आप आपको इनिशिएटिव लेने की तो आदत तो है, लेकिन आपको उतना क्या बोलते उसको, उतना रिकॉग्निशन या अप्रिसिएशन या वो ये बोलते हैं ना कि लोगों को पता चले या लोग वो नहीं मिलेगा। यू विल स्टार्ट, यू विल डू लॉट ऑफ वर्क, बट लोगों से जितना आपने काम किया उतना जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिलने वाला। आई एम फेसिंग दिस इश्यू राइट नाउ। तो पोटेंशियल तो काफी है आपके राइटिंग में, मतलब आपके राइटिंग में वो आप कंसिस्टेंट जो मेडिटेशन करते हैं उनका वो ग्रेस आ गया आपके राइटिंग में, पर वो अचीवमेंट के लिए जो राइटिंग लगता है वो दो तीन ट्रेट इसमें मिसिंग है, जिससे आपको हो सकता है आप ज्यादा पैसे की बात करें या रिकॉग्निशन की बात करें या समाज में इज्जत की बात करें, वो नहीं मिलेगा जितना आप डिजर्व करते, वो है चीज इसमें। यस सर, आई विल कम टू यू फॉर दैट, है ना। अब यस, एट द सेम टाइम आप ऐसा भी प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हो राइटिंग में कि कैसे भी कुछ भी हो के ना विवाद ना हो, विवाद ना हो। हाँ, तो वो बहुत ट्राई आपका कि लेट्स नॉट, बिकॉज़ आई एम हाईली स्पिरिचुअल, सो डेफिनेटली आई विल नॉट गेट इनटू दीस काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे, यू नो, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, करेक्ट, वो एक चीज है। और उसके अलावा जो एक चीज है वो है आपका सेल्फ एस्टीम, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब इन स्पाइट ऑफ यू डूइंग लॉट ऑफ गुड वर्क मेनी अ टाइम्स यू डोंट लाइक टू टेक क्रेडिट, तो क्रेडिट नहीं लेते हो आप कई बार, या फिर मतलब वो लाइमलाइट में ना आना या लाइमलाइट में ना आने की इच्छा रखना, वो सब चीजें भी आपके राइटिंग में दिखती है। यस यस, इट्स ट्रू, वेरी ट्रू, व्हाटएवर यू हैव सेड टिल नाउ इट्स एब्सोल्युटली राइट। और कई बार लेकिन आपका सीखने का स्पीड अच्छा है, यू टेंड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स वेरी क्विकली, पीपल आर एट टाइम्स अमेज्ड हाउ क्विकली यू हैव अंडरस्टूड एंड स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग थिंग्स, तो आपका सीखने का जो स्पीड है वो बहुत अच्छा। यस सर, आई एम गोइंग ऑन लर्निंग एट 46 आल्सो, एट टू मेनी बुक्स आई एम रीडिंग, टू मेनी, आई एम डूइंग वेदास राइट नाउ, आई एम डूइंग दिस राइट नाउ, एंड आफ्टर आई गेट इनटू माय एग्जाम्स आई विल कम टू यू। पर आपका सीखने का स्पीड अच्छा है काफी, है ना, यू लर्न टू टेंड टू लर्न थिंग्स वेरी क्विकली कंपेयर्ड टू अदर पीपल। यस यस आई डू, थैंक यू सो मच। आपको कि वाज इट बिलीवेबल कि इतनी सारी चीज, इतनी सारी माइनर डिटेल जो सिर्फ और सिर्फ शायद आपको ही पता है, वो चीज भी यहां से पता चली है आसानी से, मैं आपसे कभी मिला नहीं हूं, मैंने आपको देखा भी नहीं आज तक। यस नहीं, डेफिनेटली सर, दिस इज अमेजिंग, एंड आई रियली हैड नो आईडिया दैट, आई ओनली न्यू दैट सम थिंग्स वर, यू नो,
you can make out of the handwriting, but this is something on spiritual side. When I do it for other people, this is what you did it with only my handwriting. मुझे आँख बंद करके करना पड़ता है. आपने you know handwriting से कर दिया. We are on the same side but with different angles. तो ये जो graphology handwriting है ना, वो मनोमय कोश से directly आता है. मनोमय कोश. तो हम लोग ना directly थर्ड बॉडी को डायरेक्टली पेपर पे देखते हैं. थर्ड शीट यू मीन. यस यस. तो पहला जो है वो स्थूल शरीर होता है, दूसरा जो आपका प्राण शरीर होता है, तीसरा आपका मन शरीर होता है. मनो या यस. तो कई लोगों को मनोमय शरीर को ग्रैब करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है. लेकिन ग्राफोलॉजी जो है, बिना मेडिटेशन के भी, ऐसे नहीं कि मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, मैं भी करता हूँ और इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू ऑल मस्ट डू इट. बट बिना मेडिटेशन करे भी आपको उनके मनोमय कोश के बारे में एक्सेस मिलता है. आपको आपके खुद के मनोमय कोश का एक्सेस मिलता है और मनोमय कोश में आप बदलाव कर सकते हो, जो कि मेडिटेशन में काफी सालों के बाद की प्रैक्टिस के बाद या बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है. ये आप डे वन से करना चालू कर सकते हो. तो ये जो अवेयरनेस है आपको जो आने वाला है ग्राफोलॉजी में, वो स्थूल शरीर का आने वाला है, वो प्राण शरीर का आने वाला है और आपके मन शरीर का आने वाला है. क्योंकि मन शरीर जो है वो आपके प्राण शरीर और स्थूल शरीर को कंट्रोल करता है. इसलिए हैंडराइटिंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम टू गिव यू अ अमेजिंग